Hello, my dear student. Welcome to all of you. My name is Khalid Mahmood. I am your instructor for Microsoft Excel. और आज की इस वीडियोस में हम Excel basics को जानने वाले हैं, यानी Excel की basic जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ. आप अपने स्क्रीन पे शो हो रही हर एक चीजों को इन डिटेल देखने जा रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप लेफ्ट अपर कॉर्नर में, जैसा कि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, अगर आप इसे देखेंगे, इसे क्या बोलते हैं, कुछ आपको सिंबल्स दिख रहे होंगे छोटे छोटे, इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार. ओके, इसके अंदर अगर मैं बात करूं, ये है रीडू, ये है अंडू. ओके, ये है हमारा क्रिएट अ न्यू फाइल, ये है हमारा ओपन फाइल, और इसके बाद आती है बात सेव. ये सारी चीजें आपको क्विक एक्सेस टूल बार में अवेलेबल दिखेंगी. ओके, इसके बाद अगर आप इसके बगल में कस्टमाइज एक्सेस टूल बार देखेंगे, यानी कि आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, कुछ चीजों को आप रिमूव कर सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे इसे जब क्लिक कर रहा हूँ, तो इस तरीके से कुछ एक्सपेंड करके एक टैब ओपन हो रहा है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप ऐड कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ईमेल को मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए ईमेल ऐड हो चुका है. अगर आप इसे रिमूव करना चाहें तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, रिमूव हो जाएगा. ओके, अभी बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसे देखते हैं, इसे क्या बोलते हैं. इसे बोलते हैं फाइल नेम. मैं जूम करके दिखा दूं, ये है हमारा फाइल नेम. ओके, अभी चलते हैं हम राइट साइड अपर कॉर्नर में, तो ये है हमारा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज. मैं इसे भी जूम करके दिखा दूं आपको, देखिए ये हो गया हमारा, ये है हमारा मिनिमाइज, ये हो गया हमारा मैक्सिमाइज, और यहां से अपने सॉफ्टवेयर को हम क्लोज करते हैं. ओके, क्लियर. चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं. यहां पे आप देख रहे हैं ये सारे टैब्स हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलास, डेटा टैब, रिव्यू, व्यू, हेल्प, इन सभी को हम टैब बोलते हैं. ओके, यानी कि अगर मैं इस तरीके से बात करूं, इस पोर्शन से लेकर ये इस पोर्शन तक, ये सारे हमारे टैब्स हैं. ओके, इसके बाद बात आती है रिबन की. आप इस पोर्शन से लेकर ये जो पूरा पोर्शन हम देख रहे हैं आप, इसे हम रिबन बोलते हैं. रिबन, ये हमारा पोर्शन रिबन का है. ओके, ये पूरा पोर्शन रिबन है हमारा. इसी तरीके से आपको हर एक टैब में इसका अलग अलग रिबन दिखेगा, जिसके अंदर अलग अलग टूल बार अवेलेबल होंगे. होम टैब में क्लिपबोर्ड है, ठीक है, जिसके अंदर कट, कॉपी, पेस्ट दिख रहा है आपको. यहाँ पे फॉन्ट से रिलेटेड आपको टूल बार मिलेंगे, अलाइनमेंट मिलेगा, ये हमारे होम के रिबन में मिलेगा. इसी तरीके से जब इंसर्ट में आएंगे, इसके रिबन अलग हैं, रिबन के अंदर सारे टूल्स अलग हैं. आप लेआउट में आएंगे, पेज लेआउट में, तो यहाँ पे भी ये रिबन हैं हमारे पेज लेआउट के, इसके अंदर भी अलग अलग चीजें हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन आपको पूरी तरीके से आने वाले वीडियोस में करूंगा. ओके, चलिए इसके बाद बात आती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नेम बॉक्स है. ये नेम बॉक्स क्या होता है, उस चीज को समझिए. हर एक बॉक्स का एक नाम होता है, हर एक पार्टिकुलर बॉक्स का एक नाम होता है. जैसे कि अब यहां पर मैं एक बॉक्स पे क्लिक कर रखा हूं, तो इस बॉक्स का नाम है G6. आप चाहें तो इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं. G6 की जगह पे आप कर सकते हैं यहाँ पे ABCD और एंटर कीजिए. आप इस बॉक्स का नाम ABCD हो गया, ठीक है. आप अगर यहां पर आ गए तो देखिए H
एच एट दिख रहा है, यानी कि कॉलम नंबर एच और रो एट, तो ये एच एट हो गया। जब आप अगेन यहां पे आएंगे तो यहां पे अगेन आपको आपने जो नाम दे रखा है वो नाम यहाँ पे दिखेगा, बट इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है। जब हम रेंज क्रिएट करते हैं तो इन सारी चीजों की जरूरत हमें पड़ती है। तो ध्यान रखना है कि ये आपका ये पोर्शन जो है इसे आप बोलेंगे बॉक्स नेम। ओके, ये है हमारा बॉक्स नेम, मैं आपको जूम करके दिखा दूं, ये देखिए आप, ये है हमारा बॉक्स नेम। ओके, चलिए अभी बात आती है इस चीज की, ये है हमारा फॉर्मूला बार, इसे हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। जब भी हम किसी भी तरीके का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो एक्चुअल में वो फॉर्मूला हमें यहां पर ही शो होता है, चाहे किसी भी तरीके का फॉर्मूला हो, कैसा भी फॉर्मूला हो, मैथमेटिकल फॉर्मूला हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला हो, या एनी हाउ इफ से लेकर किसी भी तरीके का फॉर्मूला हो, वो सारे फॉर्मूले हमें इस फॉर्मूले बार में दिखेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम कॉलम्स किसे बोलते हैं। कॉलम्स की बात आती है तो ये है हमारा कॉलम। ओके, अब देखिए ये पूरे सी आप देख रहे हैं, ये ऊपर से लेकर नीचे तक जहां भी इसका एंड है वहां तक ये सारे कॉलम्स हैं। एक कॉलम हुआ, सी एक कॉलम है, डी एक कॉलम है, ई एक कॉलम है, एफ एक कॉलम है। मैं आपको अगर एक्सप्लेन कर दूं इसे कुछ इस तरीके से, देखिए ये जो है हमारा ये एक अलग कॉलम है। ओके, इसके बाद सेकेंड आप जी, ये एक अलग कॉलम है। ओके, इसके बाद ये एच, ये एक अलग कॉलम है। इसके बाद आई, ये एक अलग कॉलम है। इस तरीके से मल्टीपल कॉलम्स आपको आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अवेलेबल मिलेंगे। ओके, अभी बात आती है रोज की, तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कॉलम्स थे वैसा ही यहाँ पे आपको रोज मिल जाएंगे। ये रहा हमारा रोज, ये रो हो गया हमारा। अगेन आप देखेंगे ये भी हमारा एक रो है। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, यानी कि अगर मैं शॉर्ट मेथड में बताऊं तो ए बी सी डी जितने आपको दिख रही हैं वो सारे हमारे कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे रोज हैं। ओके, एक बात आती है सेल्स की, तो ये आप बॉक्स जिसे हम सिंपल मीनिंग में बॉक्स बता रहे हैं आपको, ये सेल्स हैं हमारे, ये हर एक पार्टिकुलर अलग अलग सेल्स है। और अगर आप कई सारे सेल्स को अगर आप मिला लेंगे तो ये हो जाएगा रेंज, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अब बात आती है स्क्रॉल बार की। स्क्रॉल बार दो तरीके का होता है। स्क्रॉल बार किसे बोलते, पहले ये समझिए। आप यहां पे देख रहे हैं राइट साइड में और डाउन साइड दो स्क्रॉल बार है। अभी दो स्क्रॉल बार है तो इसे बोलते क्या है वो चीजें समझना है। एक होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार और सेकेंड होता है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। वर्टिकल कौन सा है, ये है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार, यानी कि अगर आप, ये है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार और ये है हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। ओके, दोनों चीजें हैं, जूम करके दिखा देता हूं मैं आपको, ये हो गया हमारा वर्टिकल। ओके, ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल। ओके, क्लियर। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, शीट्स। अभी शीट्स क्या होती हैं, देखिए जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं तो आपको शीट्स मिलती है नीचे की साइड, यानी कि ये है हमारा शीट, ये है हमारा शीट। ओके, इस तरीके से हमारे पास काफी सारे शीट्स अवेलेबल होते हैं, ये देखिए आप, ये सारे शीट्स हैं। ओके, जबकि हम काम कर रहे हैं ये एक शीट के ऊपर काम कर रहे हैं। अब बात आती है जूम की, जब हम इसे अपने वर्कशीट को जूम इन और जूम आउट कैसे करते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे एक पैनल दिख रहा है जो कि जूम का पैनल है। यहां से आप जूम कर सकते हैं अपने
वर्कशीट को और यहां से जूम आउट कर सकते हैं। क्लियर, यानी कि अगर मैं यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, अगर मुझे इसे जूम करके दिखाना है तो हमें यहां पे आना होगा और इस तरीके से जूम करके हम देख सकते हैं या फिर अपने काम को भी कर सकते हैं। ओके, जूम इन करने के लिए प्लस का सिंबल प्रेस करना है और जूम आउट करने के लिए माइनस सिंबल प्रेस करना है। ओके, मैं आपको आगे शॉर्टकट मेथड्स भी बताऊंगा। ओके, तो ये है हमारा जूम इन और जूम आउट। अभी बात आता है मूव अराउंड द वर्कबुक। यहाँ पे आप बहुत सारे वर्कबुक दिख रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके 100+ वर्कबुक्स हैं, हर एक वर्कबुक को एक साथ देखना है और किसी पार्टिकुलर वर्कबुक पे जाना है तो आप कैसे जाएंगे, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे आना है, मैं आपको जूम करके दिखा दूं, ये देखिए आप यहाँ पे आना है मुझे, और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे मैं आया और राइट क्लिक मैं कर रहा हूं तो हमारे सारे वर्कबुक यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं और यहाँ से आप किसी भी वर्कबुक में आसानी से जा सकते हैं। जैसे कि मैं आ जाता हूँ हाइपरलिंक और मैं प्रेस करता हूँ ओके, तो मैं हाइपरलिंक के वर्कबुक पे आ गया हूँ। अगेन मुझे बेसिक्स ऑफ एक्सेल पे जाना है, मैं यहाँ पे आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे आएंगे और बेसिक्स ऑफ एक्सेल को क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो अगेन बेसिक्स ऑफ एक्सेल वर्कबुक पे आ जाएंगे। ओके, अब बात आती है सिंपल डेटा शीट क्या होता है, यानी कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी चीज को सिंपल तरीके से आप एंटर कर सकते हैं, जैसे कि मैं कुछ भी लिख दे रहा हूं सलमान, ठीक है, या फिर यहां पे मैं नाम डाल देता हूं, नेम नेम एज वर्क, ओके, और यहां पे मैंने एज डाला 40 54 और वर्क डाला मैंने आर्टिस्ट, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इस तरीके से आप सिंपल एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अभी कह रहा सेलेक्टिंग रेंज, अभी रेंज क्या होता है, यानी कि अगर मैंने आपको बताया ये सेल्स हैं हमारे और कई सारे सेल्स को एक साथ अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वो रेंज कहलाता है। ये एक रेंज हो गया, आप इस रेंज का नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम डाला एग्जांपल के तौर पे, तो ये एक रेंज क्रिएट होगी। अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे दिखाया कि एक सलमान का रेंज है। ओके, इन डिटेल मैं इसे आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की वीडियोस में इतना ही, आज की वीडियोस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल के साथ बने रहने के लिए, एक्सेल की पूरी सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।